प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सन्निकटन द्वारा आकलन। सबसे पहले तो आप सन्निकटन को समझें। सन्निकटन का मतलब होता है अनुमान लगाना। हम अक्सर बहुत सारी चीजों में अनुमान लगाते हैं। किस प्रकार? माना हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, किसी का बर्थडे हम मना रहे हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे घर में इतने मेहमान आ जाएंगे और यदि इतने मेहमान आएंगे तो इतने मेहमानों के लिए हमें कितना पर्याप्त राशन या जो भी चीज हम उनको परोसनी है वो कितनी मात्रा में हम लेके आए। तो उसी के द्वारा, अनुमान लगाने के द्वारा ही हम वो आकलन करते हैं। तो वही आकलन अब गणित में भी है और वो गणित में हम किस प्रकार करेंगे आप देखिए। सबसे पहले तो मैं सन्निकटन निकालना ही हम लोग सीखेंगे कि सन्निकटन कैसे निकलता है। अब हमारे पास, अब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि जो मान होता है, मान के अनुसार संख्याएं हम कैसे लिखते हैं। हम भारतीय संख्यांकन पद्धति की ही बात करते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, उसके आगे हम चलते रहते हैं। लेकिन यदि मेरे पास ये कोई संख्या है, पता है आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अभी मैंने यहां तक ही ली है। यदि हमें अनुमान लगाना है, सन्निकटन निकालना है, कहां तक? सैकड़े तक, ध्यान रहे, सैकड़ा। तो सैकड़े के अंक पे जाके मैं रुकूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इससे पहले वाले अंक बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं हमारे पास, तो इसका सैकड़े तक का, 100 तक का सन्निकट मान क्या होगा वो देखना है। पहले वाला अंक बिल्कुल ऐसे कैसा लिखना है। अब जिस तक का हमें सन्निकटन निकालना है उससे अगला अंक देखें, क्या वो 5 से बड़ा है? 5 या 5 से बड़ा है? यदि वो 5 या 5 से बड़ा हो गया तो ये अंक एक बढ़ जाएगा। 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और पीछे वाले जितने भी अंक होंगे वो 0 हो जाएंगे। मतलब हम यदि यहां इन दोनों को लें कि 2300, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, 2378। अब 2300 में हमारे पास सबसे पहले आता है 2300, उसके बाद आता है 2400। यदि 100 तक यदि हम लेते हैं, 100 तक मान लेना है, तो इसके जो दो नजदीक 100 होंगे वो कौन कौन से होंगे? 2300 और 2400। अब 2300 इसके नजदीक है या 2400, वो नजदीक वाला अनुमान हमें लगाना है, तो उससे अगला अंक हमें देखना पड़ेगा। यदि वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, यदि वो 5 से छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे। कैसे? आइए देखें एक और उदाहरण द्वारा। यदि हमें 1000 तक इसका सन्निकटन निकालना है, 1000 तक, तो 1000 का अंक मैंने ले लिया गया है, 4 है। अब इसमें 1000 नजदीक कौन सा है इसके? एक तो 4000 हो गया और एक क्या हो गया? 5000 हो गया। लेकिन यह देखने के लिए कि 4000 ज्यादा नजदीक है या 5000 ज्यादा नजदीक है, हमें उसे अगला अंक लेना पड़ेगा और उससे अगला अंक मेरे पास कितना है? 3, जो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है, नहीं सॉरी, हाँ सो 5 से छोटा है, तो ये अंक बिल्कुल ऐसे कैसा रहेगा, मतलब ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, नीचे वाली संख्या नहीं आएगी और बाकी जो पीछे अंक हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब 4395 का सन्निकटन मान कितना हो गया हमारा? 1000 तक का सन्निकटन 4000 हो गया। और देखें आगे, हमें दहाई तक का सन्निकटन मान निकालना है। इसमें जब हम दहाई तक का सन्निकटन मान लेंगे, या 10, दहाई को 10 बोलते हैं, 10 तक का सन्निकटन मान लेंगे, तो 10 वाला अंक, इकाई, दहाई वाला अंक हम बिल्कुल ऐसे कैसे रखेंगे? पहले वाले अंकों को लिख दें ऐसे कैसे? अब 3 के ऊपर फोकस करो, हमें 3 से अगला अंक देखना है। अगला अंक क्या है? 5 है। तो मैंने कहा था यदि अगला अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो इसका मान एक बढ़ जाएगा, 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और पीछे वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों, ये सन्निकटन मान आशा है कि आपको आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो आगे आने वाले प्रश्नों में हम इसको और थोड़ा सा समझ लेंगे कि सन्निकटन मान जोड़ और घटा में किस प्रकार कामयाब है हमारे लिए। जोड़ और घटा में मान लिया कि हमें प्रश्न दे दिया गया, कि इसका 1000 तक सन्निकटन मान
लेकर योग करें, जोड़ें। हजार तक में मैं दोनों संख्याओं को देख रहा हूं, यहां हमारे पास दो संख्या है, क्योंकि जोड़ या घटा ये दो निशान ऐसे हैं जो संख्याओं को अलग अलग करते हैं, अलग अलग दर्शाते हैं। गुणा में संख्या एक होती है, भाग में एक होती है। तो यहां ये दो संख्याएं हमारे पास, एक ये है एक ये है, इन दोनों का जोड़ करना है, लेकिन हजार तक का सन्निकटन मान लेके करना है। तो सबसे पहले मैं इसका हजार देखूंगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार में हमारे पास ये दो अंक है 15,000। अब 15,000 से अगला अंक यदि मैं देख रहा हूं वो क्या है, पांच से छोटा है, छोटा है तो इसकी जगह सीधा का सीधा यही 15,000 ही आ जाएगा। और इसमें भी हजार का अंक 8 है और अगला अंक है वो 5 से छोटा है, तो ये भी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और पीछे वाली संख्याएं 0 हो जाएंगी। अब इसको देखो कितनी आसानी से हम जोड़ सकते हैं, ये 15,000 और ये 8,000, 15 और 8 कितना हो गया, ये 23,000। मतलब आसानी से हम उसको जोड़ सकते हैं, आकलन कर सकते हैं अनुमान लगाकर, सन्निकट द्वारा आकलन, मतलब अनुमान द्वारा अनुमान लगाकर आकलन करना। तो जोड़ इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। इसी में कि मैंने दोनों ले लिए थे, इसी में यदि मैं सन्निकटन मान सैकड़े का लूं, 100 का लूं, तो मुझे 100 का अंक देखना है। इसमें 100 वाला अंक देखो, दोनों जगह 3 है। अब आगे वाली संख्या ऐसे जैसी है, लेकिन इससे जो अगला अंक है 100 से अगला अंक वो क्या है, 7 है। 7 मतलब 5 से बड़ा है, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, एक बढ़ के और पीछे 2 0। और जब यहां से देखेंगे तो 8 तो हमारे पास है ही, लेकिन इससे अगला अंक 5 से छोटा है, तो ये ऐसे कैसा रहेगा और पीछे वाली संख्याएं 0 बन जाएंगी। तो अब 15,400 और 8,300, 15,000 और 8,000 का हमारे पास 23,000 हो गया, 400 और 300 700। या इसको आप एक सीध में लिख के भी जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको यहीं पे जोड़े, आप इसको यहां से ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ के आप उत्तर वहां पे लिख सकते हैं, यहां पे 23,700। इसी प्रकार घटाओ में एक चीज और देख लें, इसमें मान लिया हमारे पास आ गया ये प्रश्न हल करने के लिए और हमें कहा गया कि हजार तक इसका सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, हजार तक। अब ध्यान देने की बात है कि हजार तक यदि लेना तो हजार का अंक चाहिएगा, तो यहां पे इकाई ढाई सैकड़ा हजार, यहां पे 6 है, लेकिन जब हम यहां देखते हैं इकाई ढाई सैकड़ा हजार नहीं है, तो आगे हम शून्य लगा सकते हैं हजार को पूरा करने के लिए, तो हमने शून्य लगाया है। अब यहां हजार का अंक मैंने देखा 6 है, 6 से अगला अंक 7 है जो 5 से बड़ा है, इसकी जगह 9 भी होता तो वो भी वही है, वो भी 5 से बड़ा है, तो बड़ा है तो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एक बढ़ के और पीछे जितने अंक है उतनी शून्य आ जाएंगी। अब यहां पे हजार का अंक हमारे पास शून्य है और उससे अगला अंक क्या है, 4, उससे अगला अंक क्या है, 4। और जब हम देखेंगे कि ये 5 से छोटा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और पीछे जितने हैं वो सारे शून्य, शून्य तो कितने ही लगा लो उसका मान तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा शून्य ही आएगा। शून्य के बाद यदि शून्य होगी तो मान शून्य ही होगा, और हमें पता है किसी भी संख्या में यदि शून्य को, यदि 0 को जोड़ा जाता है तो मान हमेशा वही रहता है, तो 7,000 आ जाए। इस प्रकार हम जोड़ कर सकते हैं और इसी प्रकार हम घटाव भी कर सकते हैं। घटाव के लिए ये आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, मैं ले रहा हूं इसका हजार तक का सन्निकटन मान, हजार तक के सन्निकटन मान में मैं यहां पे देखता हूं इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार के दो अंक ही ले लें, एक लेना हो एक ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, लेकिन 18,000 ठीक लग रहा है। और यहां भी इकाई ढाई सैकड़ा हजार में हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, तो सन्निकटन मान लीजिए 18 से जो अगला अंक है 3 वो 5 से छोटा है, छोटा है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पीछे सारी 0 हो जाएंगी। अब यहां हजार का मान 5 है और 5 से अगला अंक यदि हम देखते हैं तो वो 6 है, मतलब 5 से बड़ा है, बड़ा है तो ये 5 की जगह एक अंक बड़ा हो जाएगा 6 और आगे वाली सारी 0। अब 18,000 में से 6,000 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 12,000 बच गया, तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम गुणन के क्वेश्चन भी ले सकते हैं।
अब गुणन में कैसे? इसमें भी हम हजार तक ही लेके देखते हैं, हजार तक का सन्निकटन मान गुणा करके इकाई दाई सैकड़ा हजार आठ आ गया, इसमें इकाई दाई सैकड़ा हजार इसमें एक आ गया। अब इससे अगला अंक आठ से अगला अंक हमारे पास क्या है? तीन, जो पांच से छोटा है मतलब आठ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और पीछे तीन जीरो वही गुणा का निशान है। इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार का अंक एक है, एक से अगला अंक छह है जो पांच या पांच से बड़ा है, तो एक का बढ़ के क्या हो जाएगा? दो, और बाकी सारी जीरो। अब गुणा करना तो बिल्कुल आसान है, पीछे पीछे वाली सारी जीरो को छोड़ दे, सिर्फ जो अंक बच गए उनकी गुणा करें, आठ दूनी सोलह है, और जितनी जीरो बची हैं तीन इधर हैं और तीन उधर हैं, वो सारी की सारी उसके बाद में आ जाएंगी। ये गुणा का हमारे पास नियम हो गया। और देखें गुणा के नियम, या यदि आकलन सीधा आपको ये ना दिया हो कि किस मान तक आकलन करना है, तो आप अपनी मर्जी से भी, मान लो ये दे दिया यदि ये नहीं दे रखा है आपको कि कौन से स्थान तक सन्निकटन आकलन करना है या सन्निकटन मान लेना है, तो हम अपनी मर्जी से सबसे बड़े अंक का मतलब जो सबसे बड़े स्थान को हम सन्निकट मान लेंगे, और एक ही प्रश्न में दो अलग अलग स्थानों को भी हम ले सकते हैं। जैसे इसमें मैंने इकाई दाई सैकड़ा हजार लिया है, इकाई दाई सैकड़ा इसमें सैकड़ा है हमारे पास बड़ा, तो हम उसी प्रकार से इसको करेंगे, क्योंकि गुणा करते हुए ध्यान रखें यदि हजार तक दे दिया और यहां हमारे पास जीरो आ गया, शून्य आएगा हजार वाले अंक में, और यदि गुणा करेंगे इसको तो सारे का सारा शून्य हो जाएगा, और ऐसा तो होगा नहीं कि दो संख्याओं की गुणा है वो शून्य के बगैर शून्य हो गई हो, तो ये तो शून्य नहीं है, बेशक शून्य के नजदीक है। अब हमारे पास मेहमान आने हैं मान लो एक, और हम दस तक यदि सन्निकट मान लेंगे तो उसको जीरो बना के कर दे और उसके लिए कुछ ना लेके आए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम गुणा करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें, या जोड़ करते वक्त या घटा करते वक्त भी ये ध्यान रखें कि यदि हमें मान नहीं दे रखा कि कहां तक सन्निकट मान लेना है, तो हम अपनी मर्जी से बड़े अंक का या बड़ी संख्या जो हमारे पास स्थानीय मान पे है उसका सन्निकट मान हम लेंगे। अब यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हजार का है, अब इससे जो अगला अंक है वो क्या है? आठ है, जो पांच से बड़ा है, पांच से बड़ा है तो पांच का यहाँ पे छह हो जाएगा और ये जीरो गुणा, अब ये एक, एक से अगला अंक आठ वो भी पांच से बड़ा है, पांच से बड़ा है तो एक बढ़कर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा और दो शून्य बाद आ जाएंगे। अब वही है, शून्य छोड़ देने हैं गुणा करते हो, और छह दूनी बारह है, गुणा करने की और कितनी जीरो होगी? एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच में शून्य हमें लगा देनी है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए आपका सन्निकट द्वारा आकलन इतना ही है, और आप प्रश्नावली 1.3 करके अपने अध्यापकों को दिखा सकते हैं।